अक्सर आपने सोचा होगा कि संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है जब विपक्ष हंगामा करती है। अक्सर यही होता है ना कि ऐसे बात होती है कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया, आज विपक्ष के हंगामे के चलते संसद नहीं चल पाई। उसके बाद आपको केंद्र सरकार जो है वो पाई चार्ट दिखाएगी कि किस तरीके से इतना करोड़ों का काम हम कर सकते थे नहीं हुआ, इतने करोड़ों का काम नहीं हुआ है वो लॉस हो गया, संसद चलाने में कितना घाटा हो रहा है, देश का घाटा हो रहा है। तो ये इसी तरीके की बातें होती हैं। तो विपक्ष हंगामा करती है, सरकार बताती है हमको काम नहीं करने दे रही। लेकिन आज तो गजब ही हो गया, क्योंकि विपक्ष को घेरने के चक्कर में सत्ता पक्ष के सांसदों ने इतना हंगामा काटा, इतना बवाल, कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। सोचिए, सरकार खुद, एक ऐसी स्थिति आ रही है कि सरकार खुद संसद नहीं चलने दे रही। मुद्दा था राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान, जिस पर देश में बवाल हो रहा। एक बात आपको बता दें, राहुल गांधी अभी भी विदेश में ही हैं और संभवतः मंगलवार को वापस देश लौटेंगे, और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वेडनेसडे से वो संसद वापस आना शुरू करें। तो अभी वो देश आए नहीं है। लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सदन में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने वहां कैम्ब्रिज लेक्चर से अलग एक मीडिया इंटरेक्शन ये भी कहा कि जो अमेरिका और यूरोप खुद को लोकतंत्र का कथित रक्षक बताते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ भारत के लिए ही मायने नहीं रखता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज दैट एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर कैन गिव अ टॉक इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट ही कांट गिव अ टॉक इन इंडिया, इन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। द रीजन इज दैट आवर गवर्नमेंट simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. अब भारतीय जनता पार्टी के बयान पर हमलावर है ये जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है। इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी, जिसको लेकर के बीजेपी को लगा मौका अच्छा है, तुरंत मौके पे चौका मारा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इसी संसद के सांसद हैं और वो लंदन में जाकर उन्होंने भारत को बदनाम करने की एक कोशिश की है, ऐसा सरकार का आरोप राहुल गांधी, भारत की गरिमा को चोट पहुंचाई है वो कहते। सरकार के अहम मंत्रियों ने राहुल गांधी को घेर। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए
उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए, एक चीज होती है जिसे कहते हैं क्यू। क्यू मतलब कि आपको ये प्रॉम्प्ट कर दिया जाए, आपको पता हो कि अब ये ऐसे करना है। कुछ इसी तरीके की चीज संसद में जो आज हो रही थी, ऐसे लगता है कि उसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसकी भूमिका बंधनी थोड़ी पहले से शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री ने रविवार को कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य रहा है कि कुछ साल पहले मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला, मगर यह दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। यानी कि निशाना राहुल गांधी पर था, और किसके द्वारा? सीधे प्रधानमंत्री। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर हंगामे की भूमिका सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही नहीं मानी, इसके बारे में जिक्र दोनों सदनों के अध्यक्षों ने भी की। आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। मैं राज्यसभा का सभापति हूं, लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हाँ, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे, वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। और आइए अब आपको बताते हैं, ये तो देखिए राज्यसभा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, ये उनका बयान था राहुल गांधी के बयान पर। वहीं बहरेन में अंतर संसदीय संघ को, उसकी एक सभा को संबोधित करते हुए एक सामान्य बहस चल रही थी, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने क्या कहा, आइए आपको वो बताएं। वो कहते हैं, सांसदों को अपनी बात रखने का निर्बाध अधिकार है, ऐसे में ये कहना कि सांसदों को संसद के अंदर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, ये पूरी तरीके से गलत है। ये किसने बोला? आप अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ओम बिड़ला। तो प्रधानमंत्री, दोनों सदन के जो हेड हैं, वो एक तरीके से ये बयान जब धीरे धीरे आ रहे थे तो राजनीति के दायरे में नहीं आते हैं ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है उसको शायद एक क्यू मिल गया, जिस क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो चल रहा है दुनिया जानती है, तो वहीं शशि थरूर ने यह कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो बीजेपी बता रही है, और पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिया। यहां जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है, अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहां पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। नौ साल आपने गंवा दिए इस देश के, इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली दी, तीन तीन पीढ़ियों का अपमान है। जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलत फहमियां आपने पाली है अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री, आप भगवान नहीं है, आप सृष्टिकर्ता नहीं है, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलत फहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। अब दरअसल पूरी लड़ाई किस बात पर है?
ये जान लेते हैं। पूरी लड़ाई इस बात पर है कि क्या विदेश जाकर इस तरह की कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बस आप ये समझिए कि ये है पूरा मामला। ये कहा जा रहा है कि आप देश के अंदर कीजिए ना राजनीति, देश की, उसका उल्लेख विदेश में मत कीजिए। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बात की। अब इस पर कांग्रेस का यह कहना है कि प्रधानमंत्री खुद विदेश जाकर बहुत कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि घरेलू राजनीति से प्रेरित होती है। तो ऐसी क्या बातें बोली हैं प्रधानमंत्री ने, आइए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं इसके कारणों में नहीं जाता हूं और न ही मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन ये धरती की सच्चाई है कि लोगों में एक निराशा थी, आक्रोश भी था। और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि अलग अलग जीवन के गणमान्य लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों ना होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।